हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी मज़े में होंगे। तो गाइस, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपनी रोटी मैटिक से, जो हमारी हेल्प करती है हमारी किचन में रोटियां बनाने में। तो आ जाइए, दिखाते हैं कैसे काम करती है हमारी रोटी मैटिक। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी रोटी मैटिक की मशीन और ये है इसकी तीन कंटेनर। एक में ऑयल है, एक में आटा है और एक में पानी है। आपको पूरा व्यू दे रही हूँ रोटी मैटिक मशीन का। ये इसका फ्रंट डोर है जहाँ से रोटी निकलती है और ये साइड डोर है जहाँ से रोटी बनती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने तीनों लिड्स बंद कर दी हैं और अब हमारी मशीन ऑलमोस्ट रोटी बनाने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि फ्रंट डोर है जो अभी क्लोज है, अभी हमें उसे ओपन करना पड़ेगा। अब मैं रोटी मैटिक की मशीन को ऑन कर रही हूँ और इसमें आप सेटिंग्स में जाके थिकनेस कितनी चाहिए, रोस्टेड लेवल कितना चाहिए, ऑयल कितना चाहिए, आप सेट कर सकते हैं। और ये लिड आप देख रहे हैं कि मैंने इसे ओपन कर दिया क्योंकि इसके बिना ये स्टार्ट नहीं हो सकती। कि अब ये स्टार्ट हो रही है। अभी हमने इसमें एक रोटी का टाइमर लगाया, अगर आप चाहें तो प्लस माइनस करके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं प्लस माइनस के साइन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए जस्ट फॉर सैंपल एक रोटी बना के दिखा रहे हैं। अब ये कह रही है डू यू वॉन्ट स्टार्ट मेकिंग रोटी, तो हमने यस प्रेस किया है। तो अभी ये इसका फाइनल चेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक कर रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में थिकनेस सेट की है, रोस्टेड लेवल सेट किया और ऑयल सेट किया है। अब ये 6 मिनट का टाइम लेती है वार्म अप होने के लिए। नीचे इसका जो तवा लगा हुआ है वो गर्म होने के लिए 6 मिनट्स का टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं उस पर लिख के आ रहा है वार्मिंग अप 6 मिनट्स रिमेनिंग। तो ये 6 मिनट्स की टाइमिंग लेके इसके बाद स्टार्ट होगी। और ये देख सकते हैं आप कि नाउ मेकिंग रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। इधर से आटा लिया, उधर से पानी और थोड़ा सा ऑयल गिरेगा। और मैं आपको साइड विंडो जो है इसकी साइड डोर है उस पर दिखाऊंगी कि रोटी कैसे बनती है। तो ये देखिए, ये अपना डो तैयार कर रही है। उसने आटा ले लिया है, पानी ले लिया है और ऑयल भी ले लिया है। इसका एक मेजरमेंट होता है, तीनों कंटेनर्स का एक मेजरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना तीनों चीज़ें लेती है और डो को तैयार करती है। अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ प्लस माइनस या कुछ कमी हो जाती है तो डो रिजेक्ट कर देती है, फिर दोबारा से हमें उसके लिए प्रेस करना पड़ता है, दोबारा से डो बनाती है। और आप देख रहे हैं अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है बिकॉज ऑलमोस्ट डो तैयार हो चुका है। और आप ये इसको शेप दे रही है, राउंड शेप दे रही है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और अब उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी शेप रेडी कर रही है। तो आप देख सकते हैं डो तैयार हो गया। अब ये आया बेलन, ये इसका बेलन है जो उसको अंदर लेके जाता है जहाँ पे तवा लगा हुआ है। और ये आपको जो ऊपर वाला दिख रहा है ये भी एक तवा है, ये इसको प्रेस करता है ताकि रोटी सिक सके। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से रोटी बेल के आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी रोटी तैयार होके आ गई है। और अब ये सिकने के प्रोसेस में जाएगी और देखिए कितनी अच्छे तरीके से रोटी फूल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सिक चुकी है और बस अब कुछ ही पलों में ये बाहर आ जाएगी। और गाइस, जब ये स्टार्ट हो जाती है रोटी बनाने के लिए तो 1 मिनट में एक रोटी बना के तैयार कर देती है। ये हो गई हमारी रोटी रेडी। अब
यहाँ पे हमें दिख रहा है होप यू एंजॉयड योर मील, तो हमने प्रेस कर दिया यस, और यहाँ पे मशीन ऑफ हो रही है, हमने प्रेस कर दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आगे और पीछे दोनों तरफ से रोटी किस तरीके से सीखी है। और गाइस अब हम आपको पूरी बनाकर दिखाएंगे। तो ये हमने पूरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और ये आपको फ्लोर भी दिखाती है कौन सा आटा है। तो हमने आशीर्वाद लिया है तो उसको प्रेस कर दिया है। अभी कुछ ऑप्शंस दे रही है कि आपको थोड़ा सा पानी में सॉल्ट डालना है और जैसे ही पूरी आएगी तुरंत उठाना है। और अभी हमें ऑप्शन दिखा रही है डू यू वांट स्टार्ट मेकिंग पूरी, तो हमने यस प्रेस कर दिया। और अब हमारी रोटी मैटिक फाइनल चेक कर रही है पूरी बनाने के लिए। कि आप देख सकते हैं फाइनल चेक हो रहा है और अब 55 सेकंड्स रिमेनिंग दिखा रहा है। तो इसको गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिकॉज यहाँ पे पूड़ियाँ रोस्ट नहीं करनी है मशीन को, दैट इज़ वाई यहाँ पे 55 सेकंड्स ही लगेंगे। और ये देखिए ये इसका डो तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आटा आ गया है और उसके साथ पानी भी आ रहा है और ऑयल भी आ रहा है, तो तीनों चीज़ें मिलकर डो तैयार होता है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आटा पानी और तेल तीनों मिलकर डो तैयार कर रहे हैं। ये देखिए फिर से इसमें स्पीड बढ़ाई है ताकि वो फिर से राउंड शेप दे सके हमारी जो लोई है उसको। और गाइस अब हमारी पूरी का जो डो है वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारी पूरी बिल्कुल रेडी होकर बाहर आ चुकी है जिसे हमें पिक करना होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से बन के आई है। तो फिर से वही ऑप्शन है होप यू एंजॉयड योर मील, तो हमने प्रेस कर दिया स्माइली और अब पावर ऑफ कर दिए मशीन। गाइस अब हम आपको पिज़्ज़ा के कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो दिखा रहे हैं, जो ये हमें बताती है कि पिज़्ज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। बट अभी हम आपको पिज़्ज़ा बना के नहीं दिखा रहे बिकॉज अभी हमें पिज़्ज़ा खाना नहीं है, दैट इज़ वाई। लेकिन इसमें ये ऑप्शन है अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने ये दिखाया है कि ये पिज़्ज़ा भी बनाती है। इसमें भी आप कोई चीज़ है थिकनेस कितनी रखनी है आप सेट कर सकते हैं, रोस्टेड लेवल कितना रखना है वो भी सेट कर सकते हैं और ऑयल कितना जाना है वो भी सेट कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस प्लस माइनस जितने आपको बनाने हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी हो सकती है। और ये मशीन हमने ऑफ कर दी। गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पार्ट्स की क्लीनिंग होती है, उसके बाद आप क्लीन करके दोबारा से जब आपको रोटियाँ बनानी है या पूरी बनानी है तो आप वापस से पार्ट्स को लगा सकते हैं और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भी प्रोसेस हुआ था उसका जो भी आटा है वो इन दो पार्ट्स के ऊपर आता है, तो जिसे हमें ओपन करके क्लीन करना होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना आटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। ये इसके तीन पार्ट्स हैं जो हमें एवरीडे क्लीन करने होते हैं। और ये देखिए मैंने क्लीन कर दिए, तीनों पार्ट्स क्लीन हो चुके हैं। गाइस अब मैं आपको बताऊँगी कि ये पार्ट्स कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ये पार्ट फिक्स कर रही हूँ और इसको फिक्स करने के बाद वापस से मैं मशीन में से लगा दूंगी। तो ये फिट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट भी फिट हो गया है। और अब हमारी रोटी मैटिक तैयार है फिर से अगली बार रोटी बनाने के लिए। So guys, I hope you like my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you can get another updates. Thank you so much.